आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चौलाई की फली की सब्जी। इस चौलाई को कुछ लोग बरबटी बोलते हैं, कुछ लोग बोड़ा बोलते हैं, कुछ लोग बोड़ो बोलते हैं, या फिर कुछ ने और अपना अलग नाम निकाला हुआ होता है। पर यह सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, गर्मियों के दिन में आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चौलाई की फली की सब्जी। यहाँ पर चौलाई की फली मैंने ली है 250 ग्राम, और चौलाई की फलियों को चॉप कर लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके साथ ही साथ आलू डालते हैं सब्जी में तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से फाइन चॉप करके और वॉश करके साथ में मिक्स कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि सब्जी के लिए आगे क्या करना है। हम तैयार करेंगे एक अच्छे से मसाले का पेस्ट, जिसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज। तो मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसे मैं रफली चॉप कर रही हूँ। प्याज के साथ ही साथ हम यहाँ पर डालने वाले हैं लहसुन और अदरक। तो लहसुन की कलियाँ हैं 8 से 10, जिनको छील कर लिया है। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको चॉप करके ले लेते हैं। इन चीज़ों से हमारी सब्जी का पेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और इसके साथ ही साथ मैं ले रही हूँ हरी धनिया की पत्तियाँ, जिनको मैंने चॉप करके रखा था। सारी चीज़ों को मिलाकर हमें एक पेस्ट तैयार करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम कुछ खड़े मसाले भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने डाला है काली मिर्च के दाने, साबुत काली मिर्च के दाने हैं, जो कि 1/2 टीस्पून लिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ जीरा, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और इन खड़े मसालों के साथ इस सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साबुत धनिया के बीज होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 1/2 टीस्पून। अब मसालों को मिलाकर अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच भर के तेल गर्म किया है, और इस तेल में हम डालेंगे बारीक कटी हुई एक और प्याज का तड़का। तो एक प्याज को मैंने पेस्ट में डाला है, एक प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप करके डाला है। प्याज को अच्छे से पका लेते हैं। प्याज जब हमारे थोड़े इस तरीके से ट्रांसल्यूसेंट हो जाएं, तब आप देख सकते हैं कि प्याज को इतना ही फ्राई करना है। और अब इसके बाद से हम डालेंगे यहाँ पर दोस्तों कुछ पिसे हुए मसाले। पिसे हुए मसाले में जो बेसिक मसाले होते हैं वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। मसाले को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, मसाले हमने ड्राई ही रखे हैं। मसालों को बस 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, और जो हमारा पेस्ट है मसाले का, प्याज लहसुन अदरक वाला, उसको यहाँ पर डाल दिया है। मिक्सी के जार को वॉश करके थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, और इस पेस्ट को मसालों में अच्छे से मिलाएंगे। और इस मसाले को हम पकाएंगे सिम फ्लेम पर। प्याज लहसुन का जो पेस्ट है उसको अच्छे से भुनने देते हैं, जिससे हमारी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो ढक्कन लगा सकते हैं और बीच बीच में मसाले को चला सकते हैं। मसाला हमारा काफ़ी बढ़िया तरीके से भुन चुका है। मसाले के साइड से जब ऑयल ऊज आउट होने लगे तो समझिए मसाला जो है पककर तैयार हो गया है। इसके अलावा मसाला देखने में दरदरा सा दिखेगा, तो इसका मतलब मसाला हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। मसाले जब भुन जाए तो यहाँ पर एक लाल टमाटर मैंने काट कर डाला है। आप बिना टमाटर के भी ये सब्जी बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा टमाटरों के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही टमाटर डाला है। इसके साथ ही साथ मैं ले रही हूँ अमचूर का पाउडर और टमाटर दोनों मिलाकर सब्जी की खटास बहुत अच्छी आती है। टमाटर के साथ मसाले को हल्का सा पका लेते हैं, जिससे टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर की प्यूरी भी आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही टमाटर डाला है, उसके साथ ही साथ मैं डाल दूंगी आलू और चौलाई की फली। दोनों चीज़ों को डालने के बाद मसाले में अच्छे से मिला लेते हैं, और साथ ही साथ डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ इस सब्जी के टेस्ट के लिए। मसाले को आलू और चौलाई में अच्छे से मिला लेते हैं। फ्लेम को मीडियम करूंगी, और मीडियम फ्लेम पर आलू और चौलाई को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जिससे चौलाई में मसालों के साथ मिक्स करने से एक सोंधापन सा आता है। तो इस सब्जी को जब आप मसाले में डालिए तो बिना फ्राई किए हुए ग्रेवी मत लगाइएगा। 2 मिनट फ्राई करते ही सब्जी का टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो ढककर भी 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इस सब्जी को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद से जो है हम क्या करेंगे, डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। 2 मिनट बाद हमारी आलू और चौलाई फ्राई हो चुकी है मसालों के साथ। इस टाइम पर आप ग्रेवी के लिए हल्का सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मैं मोस्टली अपनी सब्जियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ ग्रेवी को पकाने के लिए। इससे दोस्तों एक तो ग्रेवी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ ही टाइम भी कम लगता है। और ग्रेवी को डालते समय इससे पहले आप डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर। तो 1/2 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाला पाउडर के डालने के जस्ट बाद आप ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो है 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। नॉर्मल पीने वाले पानी के गिलास से मैंने 1 गिलास पानी लिया है। सब्जी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, मैं हल्का सा पानी और ऐड कर सकती हूँ। और उसके बाद से जो है सब्जी को मसालों के साथ अच्छे से मिलाइए,
और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इस सब्जी को आप पका सकते हैं। पहले आप एक सीटी लगाइए और फिर सिम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाइए तो सब्जी की ग्रेवी काफ़ी बढ़िया तरीके से पक जाती है। सब्जी का जब पूरा प्रेशर निकल जाए तभी आप सब्जी को खोलिएगा, इससे सब्जी का कलर ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पर सब्जी का ढक्कन लगाएंगे और सब्जी को एक सीटी या फिर आप हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटियाँ लगाकर भी सब्जी को पका सकते हैं। उसके बाद से जब हम सब्जी को खोलते हैं पूरी तरह से प्रेशर निकलने के बाद, तो आप देखेंगे कि सब्जी का जो टेक्सचर है वो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा शानदार दिख रहा है, सब्जी कितनी डिलीशियस दिख रही है। ये सब्जी आप पूरी, पराठे या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी चौलाई की सब्जी बनकर तैयार है। होप करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।